विधानसभा चुनावों की तैयारी के संबंध में मंडी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, ईबीएम मास्टर ट्रेनर तथा चुनाव के लिए गठित विभिन्न चुनाव आय व्यय मॉनिटरिंग टीमों को प्रशिक्षण व आवश्यक दिशा निर्देश देने हेतु उपायुक्त कार्यालय सभागार मंडी में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ निर्वाचन अधिकारी 33 मंडी विधानसभा क्षेत्र एवं एसडीएम सदर पूजा चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों का अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्य को संपन्न करें। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव प्रक्रिया हेतु ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का हिमाचल प्रदेश में पहली बार अपनाया जाएगा, जिससे 7 सेकंड के लिए मतदाता को ये दिख जाएगा कि उसने किस उम्मीदवार को मत दिया है। उन्होंने बताया कि 33 मंडी सदर में 104 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 17 पर वेब कंसाइंट के तहत देश विदेश में भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मतदान प्रक्रिया को देखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया के दौरान सूचना तकनीकी का भी अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा, ताकि सूचनाओं के आदान प्रदान में भी किसी प्रकार की देरी ना हो। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन किया जाएगा तथा किसी को भी इसका उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी पंचायतों में वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि लोगों को इसके बारे में सभी जानकारी मिल सके। पूजा चौहान ने मतदान प्रक्रिया के लिए गठित विभिन्न टीमों का आह्वान किया कि वे समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर लें। उन्होंने युवा मतदाताओं तथा उन मतदाताओं का भी आह्वान किया जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं, ताकि वे आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सके। I've been included here. एक फेमिलियरिटी आपस में हो जाए हमें, और आपका स्वागत है यहाँ। मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगी कि ये इलेक्शन में जब हम काम करते हैं, हम लोग सारे ही सरकारी सेवा में हैं, लेकिन हम इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही एग्जाम्पलरी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और आई बिलीव कि डेमोक्रेसी को स्थापित रखने के लिए ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, और इसके पीछे एक थोड़ी सी है वो भी है कि हम डेमोक्रेसी को सुरक्षित और स्थापित रहे, सस्टेन करें, ये भी काम कर रहे हैं। तो जो अलग टीम्स बनी हुई हैं, उनका क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि कोई ये ना सोचे जो यहाँ बैठा है कि मेरा काम उससे कम है या उससे गैर जरूरी है, उतना जरूरी नहीं है जितना उनका है। यहाँ पे हर एक पक्ष, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक पोस्ट जो संभालेगा, जिस कैपेसिटी में संभालेगा, उसका अपना एक रोल है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है, और उसकी हमारे लिए एक अच्छा इलेक्शन और एक सौहार्दपूर्ण तरीके से इलेक्शन करवाने में बहुत बड़ा रोल होता है। आपसी तालमेल आप लोग जैसे मिलते रहेंगे स्थापित होता चला जाएगा, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन इज नथिंग बट टीम वर्क। एंड आई वेलकम दिस टीम। मैं फर्स्ट टाइम एज रिटर्निंग ऑफिसर काम करूंगी, तो मुझे तो आप जो पुराने लोग इसमें रहे हैं, उनका सहयोग, उनका साथ, मशवरा, सलाह